स्वागत है आप सभी का आपकी YouTube चैनल ऑल इन वन टीटी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 20 मार्च की तिथि में लेटर जो है अभी अभी प्रकाशित की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति करके, जिसके लिए अभ्यर्थी जो थे शिक्षकगण थे जो बहुत ज़्यादा अधिक परेशान हो चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जो चैनल अपने विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संपूर्ण संबंधित सूचना को। परीक्षा पेपर लीक होने की खबर तो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, लेकिन फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा रद्द नहीं की जा रही थी, जिस आज लेटर निकाल के ये बता दी गई है कि दोनों ही पालियों की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है अभी तुरंत देख सकते हैं आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो विद्यार्थी सेटिंग से परीक्षा नहीं दिए थे, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे, वो लोग अत्यधिक परेशान हो गए थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को दो पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 624 दिनांक 16/3/24 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तथा लोग में परीक्षा संबंधित कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, जिसके प्रत्युत्तर में EOU द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया। अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मोहरबद्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/24 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/24 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। TRE 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, 20 मार्च को ये तिथि आ ही गई, जिसके लिए अभ्यर्थी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे क्वेश्चन लीक होने के बाद से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।